काउंसलर हारून खान साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। काउंसलर राजा मोहम्मद अनवर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। असगर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और अब आखिरी काउंसलर जो सबसे लेट आए हैं वॉल्थम फॉरेस्ट काउंसिल में, हमें ये फ़ख्र है इस बात का कि वॉल्थम फॉरेस्ट काउंसिल में हमारे एशियन और बिलखसूस हमारे पाकिस्तानी बैकग्राउंड के कुछ काउंसलर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक बेहतरीन एजाज़ हासिल किया है कि वो कैबिनेट मेंबर्स हैं। तो कैबिनेट मेंबर भी हैं काउंसलर अफजल अक्रम, उनसे दरख्वास्त है कौंसले की तशरीफ लाएं। यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो मैंने जब पहले दरख्वास्त की थी कि आप फ्रंट सीट पे आ जाएं, मेरे लिए ज़रा आसान ही रहती। मैं काउंसलर महमूद हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। शुक्रिया। बहुत कम देखा गया है कि कहीं पर बाप बेटी या बाप बेटा काउंसलर्स हों, तो यहाँ वॉल्थम फॉरेस्ट काउंसिल में इस तरह के मामला भी हैं। मैं वैसे सबसे पहले मैंने उनको देखा था, तो यहाँ पर काउंसलर मोहम्मद असगर साहब तशरीफ रखते हैं, ये मेरे पास खड़े हैं, तो इनकी साहबजादी नाहिद नाहिद असगर भी काउंसलर है यहाँ, तो मैं नाहिद से भी मुंतमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। यहाँ इस आज बिलखसूस हमारे दो काउंसलर्स वो नहीं आए, उनकी तरफ से अपॉलॉजी है। वॉल्थम फॉरेस्ट काउंसिल के सबका मेयर भी हैं और कैबिनेट मेंबर भी हैं, पोर्टफोलियो होल्डर भी हैं, जेपी भी हैं काउंसलर लियाकत अली साहब, और उनके बेटे काउंसलर नदीम भी, नदीम लियाकत अली भी काउंसलर हैं, लेकिन लियाकत साहब के गालबन आप उनकी खूबी साहबा का इंतकाल हो गया है, आज ही उनका जनाजा भी था, इसलिए बाप बेटे की तरफ से माजरत है। उन दोनों की तरफ से माजरत है। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो थोड़ी देर के लिए यहाँ तशरीफ ले आए, लेकिन वो नहीं आ सके, तो उनकी तरफ से माजरत है। बाकी उसके अलावा अगर कोई काउंसलर यहाँ पर आया हुआ है, इफ़ यू डू हैव एनी अदर काउंसलर्स इन दिस हॉल, कुड यू प्लीज़ लेट अस नो, कम फॉरवर्ड to the front seats. I understand Councillor Terry Wheeler is here. Terry, can I ask you to come forward, please? Move to the front seats. Councillor Terry Wheeler. And if there's anybody else, do let me know. Now, moving forward, we are going to start from the ladies first of all. I'm going to ask Councillor Nahid Asghar, first of all, to address the audience, please. Assalamu alaikum.
I'd like to wish everybody a belated Eid Mubarak. Thank you very much for coming to this event that's all been organised by London Borough of Waltham Forest. I've got a few family and friends here. I'd personally like to wish them Happy Eid, and thank you very much for coming. I hope you enjoy this evening very much. It's full of lots of entertainment for everybody, so I hope you enjoy. Good evening. ये तालियों में कंजूसी हो रही है वो माशाल्लाह हाल भरा हुआ है और तालियां काम है तो मुझे अल्लामा इकबाल की एक रुबाई याद आ गई कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है बता क्या तू मेरा साकी वाह 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 समंदर से मिले प्यासे को शबनम वाह बखीली है ये रज़ाकी ने रज़ाकी ने वाह मेरे लिए हाल में तालियों को अब मैं जनाब काउंसलर मोहम्मद असर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ऑडियंस को एड्रेस करें सलाम अलैकुम मैं आप सब फतेह और रात को दिल्ली की ईद मुबारक पेश करता हूँ और उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम आज का प्रोग्राम एंजॉय करेंगे शुक्रिया आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सलाम अलैकुम बहुत बहुत शुक्रिया काउंसलर मोहम्मद असर साहब इनके बाद मेरे बड़े भाई और सच्ची बात है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका तारीफ करा सकूँ काउंसलर राजा मोहम्मद अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और ये मुझे मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि यहाँ पे सब बहन भाई इकट्ठे हैं और उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे आपके लिए अपनी तरफ से हमने कोशिश की है कि बेस्ट सिंगर बेस्ट डांसर लाया ताकि आप इसको सही मायने से एंजॉय कर सकें उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा मेरी तरफ से दोबारा आप सबको बेनिफिट ईद मुबारक ओके अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखें बहुत बहुत शुक्रिया राजा मोहम्मद अनवर साहब इनके बाद मैं काउंसलर डॉक्टर हारून खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ आएँ और ऑडियंस को एड्रेस करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुझे बहुत खुशी है आज ये हाल पूरा भरा हुआ देख के हर साल ये प्रोग्राम होता है आप लोगों के लिए और वाल्थम फॉरेस्ट काउंसिल इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करती है आई एम ग्लैड कि आप लोग आए हैं और आपसे उम्मीद है कि आप हर दफ़ा इसी तरीके से इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए सब मिलकर कोशिश करते हैं और मेरी तरफ से आप लोगों को ईद की देर से मुबारक बारह लेकिन हम ईद को मनाते जरूर हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड आई होप यू एंजॉय दिस थैंक यू वेरी मच थैंक्स इनके बाद काउंसलर महमूद हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्याल का इजहार करें ख्वातीन हज़रात मैं भी अपने दोस्तों की तरह आपको मेरे ईद मुबारक कहता हूँ हमारी कोशिश होती है कि इस किस्म के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो फैमिली ओरिएंटेड हों मुनक़द किया जाए और उनमें से ये जो दार सालम करते हैं मैं समझता हूँ ये बहुत ही कामयाब जा रहा है तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ काम करते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है आप इन्जॉय करेंगे और अंदर भी इंशाल्लाह इस किस्म के प्रोग्राम अपनी कम्युनिटी के लिए करते रहेंगे सो आई होप ऑल यू हैव अ नाइस एंजॉयबल इवनिंग एंड टेक केयर खुदा हाफिज़ इसके बाद वाल्थम फॉरेस्ट काउंसिल के सबका मेयर जनाब काउंसलर मसूद अहमद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्याल का इजहार करें Assalamu alaikum and good evening to everyone, brothers, sisters, respectful audience.
First of all, I'd like to thank Councillor Farooq Qureshi for inviting me in such a manner. I really deeply appreciate this. And at the same time, I'd like to take this opportunity to say Eid Mubarak, Eid al-Fitr Mubarak, and Eid al-Adha Mubarak. And congratulations to all of those people, those Muslim brothers, sisters, who have been to Mecca for Hajj pilgrimage. So I say congratulations to those. And thank you for coming to this beautiful assembly hall, because this is one of the aims and objectives of the Waltham Forest Council, to promote diversity and community cohesion. As we, last 2 weeks ago, we celebrated Diwali, we also celebrate Saki, and we are now tonight celebrating Eid al-Adha, Eid celebration. So I will say thank you for coming, everybody here, and enjoy the rest of this evening, and your presence will definitely make a big difference for the next year. Thank you, everyone. Khawateen Hazrat, last but not least, the cabinet member, a portfolio holder and counselor in neighboring ward where I live, and I can proudly say that he's my counselor, Councillor Afzal Akram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and good evening everybody. It's fantastic to see so many people in the hall here. I think this is one of the largest gatherings that we've had in recent years as an Eid celebration event, and so it's nice having you all here. Can I first of all thank Councillor Farooq Qureshi for his kind and warm words and wisdom which he shares, and yes, I am his counsellor, so I'm wondering what he's after. He's been nice to me today. But secondly, can I also give apologies for the leader of the council, Councillor Chris Robbins, who unfortunately can't be here today, but asked me to wish you all a belated Eid Mubarak and ask you to all enjoy yourself, and thank you for all support to the council. So enjoy yourself, and hopefully I'll have a chance to say hello to a number of you during the intervals or at some point, and inshallah see you at some point. Thank you. بہت بہت شکریہ آپ سے You said that you thank me for my kind and warm words. Let me tell you this. We always leave politics behind when we are talking to each other. You are a brother, and I'm proud of you, and I hope that someday maybe you might be able to say that you're proud of me as well, so that we can leave the political animosity behind. خواتین حضرات, آپ نے سب کے خیالات سنے, اور اب میرے خیال میں باقی پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے, اور مجھے راجہ طارق صاحب کا حکم ہے کہ جب یہ باتیں ختم کریں تو یہ لوگ فوٹو بنانا چاہتے ہیں, تو سیاستدان کو اور کیا چاہیے. وہ کہتے ہیں اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں, سیاستدان کو تو فوٹو پہ تو مرتے ہیں سارے سیاستدان.